बाद 400 पार की कार्य योजना बनाते हुए भाजपा के सभी देवतुल्य साथियों के बीच में कार्यों का विभाजन और किस प्रकार कार्यों भारतीय जनता पार्टी के क्लस्टर योजना के तहत अजमेर क्लस्टर के अजमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आज हमारे लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लक्ष्य रखा आपकी बार 400 पार और आपकी बार 400 पार की कार्य योजना बनाते हुए भाजपा के सभी देवतुल्य साथियों के बीच में कार्यों का विभाजन और किस प्रकार कार्यों को एक उस गति से अंजाम दें ताकि पिछले चुनाव के जीत के अंतर से आगे बढ़ते हुए अजमेर को सर्वाधिक मतों से लोकसभा उम्मीदवार भाजपा का परचम यहाँ फहराए। पर अब की बार 400 पार में अजमेर सबसे बड़ा सहभागी बने, इसको ध्यान में रखते हुए आज योजना बनाई गई और हमने लगभग अपने कामों को अनेक विभागों में बांटते हुए इस काम में आगे बढ़ने का लक्ष्य निर्धारित किया। और मोदी जी ने जिस प्रकार भारत को विश्व के अंदर एक शक्ति के रूप में, एक ताकत के रूप में अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया है, उसके अंदर कार्यकर्ता भी किस प्रकार सहभागी बने, उन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आज ये योजना बनाकर पार्टी के लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ। आज हमारा अजमेर लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आज हमारे पार्टी जो ऑफिस है उसको कार्यालय के रूप में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रसन्न जी मेहता जी द्वारा और हमारे दोनों जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब लोग मौजूद थे। आज कार्यालय का उद्घाटन किया और कार्यालय उद्घाटन के साथ ही हमने लोकसभा की रणबेरी बज गई एक तरह से और सब कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, शहर-शहर, वार्ड-वार्ड जाके और हमारे केंद्र की जो सरकार है नरेंद्र भाई मोदी जी की, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करेंगे। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी द्वारा तब अल्प समय के अंदर जो ऐतिहासिक निर्णय लिए वो भी हम जन जन तक पहुँचाएंगे और इस तरह से आज मीटिंग थी उसके अंदर लोकसभा चुनाव की कार्य योजना बनी।